लेकिन ये है अभी देखें ढोल ना नहीं आ रहे, हाथ तो है ना, तो उसने बता दिया कि अहमद भाई बहुत अच्छे हैं। लोग देखें इनकी असल हकीकत देख लें कि इधर से इन्होंने ताले मंगवा लिए हैं दो तीन, उधर से टायर भी खुलवा रहे हैं। फ्रूट चाट खाई जा रही है और सबा भाभी और अहमद भाई को भी दे दी है। बहुत प्यारे फ्रूट चाट, जबरदस्त फ्रूट चाट वगैरह जो है वो लग चुके हैं। बहुत प्यारे प्यारे बिस्तर, गरम गरम बिस्तर की हमें सर्दी महसूस ना हो। मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मैंने अपनी बेटी को नहीं उठाया, मैं अभी उठा के आई हूँ। बिस्मा छुरी लेकर आना। हाँ जी, ये रहा अंडा, इसको ऐसे मलनाल चाय दा घोल। बिस्मिल्लाह के साथ मीठा, हम मीठा करवा रहे हैं भाई अहमद का। हो गया मीठा, बिल्कुल मैं सारा मीठा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खरीत से, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब जी। तो अभी हो रहा है जी मेहमानों के लिए खाना तैयार, सब इंतज़ाम हो रहा है, तो जो जो भी तैयार होगा आप बहन से ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे खाएँगे, जैसे बैठेंगे, जैसे उठेंगे, जैसे गपशप लगाएंगे, सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो आप भी सुबह की बहुत सारा काम किया है, अभी तो थक गई। हाँ, भाग दौड़। तो आप बहन, आप बहन भाइयों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है आज। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बेगम साहिबा जी है ना राइस तैयार कर रही है, माशाल्लाह धुआं भी बहुत आ रहा है। हाँ जी माशाल्लाह, यहाँ पर हो रहे हैं जी राइस तैयार, और यहाँ पर जो है ना सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और बेगम साहिबा जो है ना बाहर बैठी है और राइस बना रही है उनकी। तो माशाल्लाह से आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट बनाई जा रही है जी माशाल्लाह से। और यहाँ पर बेबो जो है ना बहुत तंग कर रहा है, कह रहा है कि मुझे गाड़ी में बैठने दो, और अहमद भाई ने गेट खोला हुआ है बेबो के लिए। यार माफ कर दो यार। आपने हो जाती है, मैंने गलती से खिड़की बंद की। हाँ जी, खिड़की बंद की, और यहाँ पर जो है ना बेबो जो है ना उससे नाराज हो गया है। बेबो प्यारे नहीं हो आप, प्यारे मुस्तफा बेबो के साथ खेला है? नहीं खेलता, क्या कह रहा है। महक और बिस्मा भी बहुत एक्साइटेड थी, अहमद भाई और सबा भाभी की इंतज़ार में थे, तो अभी आए हैं, अब उनको मिलकर कैसा लगा आपको भी? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत बहुत इंतज़ार था बहुत, और आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आज वो आ गए। बहुत मज़ा आया, बहुत ही खुशी हुई। हाँ बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह करेंगे, अभी हमारे पास हैं इधर ही अहमद भाई और भाभी जी भी अपना व्लॉग जो है ना बना रहे हैं और माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं। तो इनको इंशाल्लाह सुबह जो है ना अपना विलेज घुमाएंगे, कोशिश करेंगे घुमाने की। तो चलो इसी बहाने हम भी घूम फिर लेंगे। बस असल बात बताओ ना। हाँ ये हुई ना, असल बात ये है जी बिल्कुल, तो भाभी जो है ना वो खुद घूमना चाहती, घूमना रोजाना फोन करती थी कब आ रहे हो कब आ रहे हो, हमें नहीं पता था कि ये खुद घूमना चाहती है। मैं फिर आगे किचन से, सच बोलना अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छी है माशाल्लाह, सेहत भी तो है ना। हमें देखो झूठ बोल बोल के क्या हालत हो गई है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सच बोलते हैं, वादा निभाया निभाया है। और माशाल्लाह से अहमद भाई ने बोला था कि जरूर इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी थी कि हमने नहीं आना था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमने आपको कहा हुआ है तो हम जरूर पहुँचेंगे जी, चाहे अभी देखें खाना खा के चले जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल वो कोई इश्यू नहीं, लेकिन पहुँचेंगे जरूर जरूर। इन्होंने कमरे में बंद होना है ना, बाहर से ये कहते हैं ताला लगा दें। भाई अभी इनका सलूक देखें, इनकी असल हकीकत देख लें कि इधर से इन्होंने ताले मंगवा लिए हैं दो तीन, उधर से टायर भी खुलवा रहे हैं गाड़ी के। तो इनका भाई, दोनों भाई और भाभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास चल के आए, हमारे लिए टाइम निकाला। पहले ये भाई हमारे पास आए थे, आपको पता है फिदा भाई और भाभी जान हमारे पास आए थे, तो फिर जो है ना हम इनके पास आए हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप जो है ना हमारे घर पहले आए थे इंटरेस्टिंग करके। ठीक है, मेन चीज होती है इंसान की इंटरेस्ट, यकीन, एतमाद, बिल्कुल। तो वो आपने पहले किया है, हमसे पहले आपने किया है। नहीं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया भाई। और माशाल्लाह यहाँ पर गरम गरम रोटी बनाई जा रही है। और जी ये देखें माशाल्लाह से गाड़ी में बैठकर वीडियो एडिटिंग हो रही है जी, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ वगैरह कुछ नहीं होती ना। हाँ जी, तो एक एक चीज़ को चेक करना फिर एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है तो जी। बंदे को इजीली होना और अकेले होना पड़ता है। हाँ, फिर शाम भी होने वाली है, आप सब बहन भाइयों के पास भेजनी भी तो होती है माशाल्लाह। और वापडा वालों की मेहरबानी है, अचानक बिजली भगा दी उन्होंने, तो मैंने कहा चलो चार्जिंग भी लगा लूँ। हाँ जी बिल्कुल, बिजली जब आएगी फिर इंशाल्लाह वहाँ पे चार्ज भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह से मैंने दस्तरखान लगाना अभी शुरू कर दिया है और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी है मेरे बहन भाई को वो भी आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मेरी कैसे मैंने डेकोरेशन की है, अच्छी की है या नहीं की है, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो भाभी जी हमारे सामने बैठी हुई है, बस इंतज़ार में बैठे कि कब खाना लगता है और कब हम खाएंगे खाएंगे इंतज़ार में करवा रही हूँ ना इसीलिए। अभी है बस दस पे, पहले क्या बस पाँच मिनट फिर का है एक मिनट, अब 10-15 मिनट गुजर के घंटा होने वाला है, अभी तक खाना नहीं, खाना नहीं आया। नहीं नहीं अभी लेके आती हूँ। बाकी सामान वगैरह सारा कुछ लग चुका है, बस खाने की इंतज़ार है। और ये रहे हमारे अहमद भाई, और खाने वाला भी पहुंच गए हैं अगर लग चुका है तो। जी बिल्कुल, ये देखें हस्ती, चेक करें जरा। मामी जी दस्तरखान लगा रही हैं, दस्तरखान में चीज़ें लगना शुरू हो गई हैं। मामू भी साथ में खड़े हैं और भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, जिसने भी खाना है जल्दी जल्दी आए और हमारे साथ आके मुकवाएं। और इधर सब भाभी बैठी हैं, जिस बहन भाई ने खाना खाना है तो आके खा सकते हैं। अजानें भी हो रही हैं, और इधर जो है ना मामी जी चावल डाल रही हैं डिश में। बहुत लेट हो चुके हैं, ढक्कन दो, लो 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 लो। जो हमारे बहन भाई पुलाव खाना चाहे वो जरूर आ सकते हैं, तो कमेंट्स में बताना मेरे पुलाव कैसे बने। बीफ डाल रही हैं, ये चीज है बीफ। खाना लग चुका है, अहमद भाई भी रेडी हैं, सबा भाभी भी रेडी हैं और मामू फिदाउस खान भी रेडी हैं। और इधर बैठी हैं मामी, मामी लगा रही हैं अभी तक, कुछ और खाने रहते हैं। तो माशाल्लाह सब बहन भाइयों ने, जिस बहन भाइयों ने भी खाने हैं तो ज़रूर आ सकते हैं, तो खाने भी चलते रहेंगे, गपशप भी चलती रहती, आप सब बहन भाइयों ने हमारे साथ रहना है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हमने खा लिया है और यहाँ पर जो है ना अभी जो है ना फ्रूट चाट खाई जा रही है और सबा भाभी और अहमद भाई को भी दे दी है। और बहुत प्यारे फ्रूट चाट, जबरदस्त फ्रूट चाट। हाँ जी, तो साथ में आग भी रखी है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा सर्दी ना लगे हमारे भाई और बहन को। अभी उठ गई है क्योंकि सुबह से बेगम साहबा ने इसको नहीं उठाया था, अभी उसने कहा मेरे दिल को कुछ हो रहा था, मैंने अपनी बेटी को नहीं उठाया, मैं अभी उठा के आई हूँ। वो भी गौर से देख रही है जी। तो माशाल्लाह से जगह जो है ना बेगम साहिबा बना रही है भाई और भाभी की। जी मैंने बिस्तर बच्चों के लगा लिए और भाभी और भैया के भी बिस्तर लगा दिए और वहाँ पे भाई और भाभी मसरूफ है। हाँ जी, आग पे मजे ले बैठे हैं और माशाल्लाह बिस्तर वगैरह जो है वो लग चुके हैं, बहुत प्यारे प्यारे बिस्तर, गरम गरम बिस्तर की हमें सर्दी महसूस ना हो। हमने कहा कि चार पहिया डाल देते हैं, भाई ने कहा नहीं हम जो है ना क्योंकि देखे चार पहिया डालते तो वो जो है ना वो क्या कहते हैं एक अलहदगी हो जाती। अभी जो है ना सारे ये जो आग है ना ये हम इधर बीच में रखेंगे, सारे जो है इंशाल्लाह फिर बैठेंगे गपशप करेंगे तो ये फिर यादगार होता है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और चार पहियों पे आपको पता है सिस्टम सही नहीं होता, हर कोई अलग अलग चार पहिये पे पता ना चलता सो जाता, अब कोई सोने लगेगा ऐसे हिलाएंगे ना उसको सोना नहीं है। हाँ, अभी साथ साथ बैठेंगे और मूंगफलियां खाएंगे और इसीलिए हमने नीचे जगह जोड़ी है, मूंगफलियां भी खानी है और आग भी जलाते रहेंगे, गपशप भी लगाते रहेंगे, छिलके जो से वो भी हम अंगीठी में डालते रहेंगे। पर अंडे भी उबैल हो चुके हैं और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से चाय भी गरम गरम तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर बिस्मा जो है अंडे छील रही है मेहमानों के लिए।
इसमें जल्दी करो, मैं इतना जल्दी का मेरे हाथ जल रहे हैं, यहाँ पे जख्म भी हो गया मुझे, ये देखिए जल्दी में। बिस्मा जो है ना अंडे रेडी करके लेके आ गई है, अभी मेहमानों को पेश करते हैं। माशाल्लाह सर्दी में गरम गरम अंडे, क्या ही बात है। बिस्मा छुरी लेकर आना, जिसने भी सर्दी में अंडे खाने गरम गरम जल्दी जल्दी आए, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल जी, उबला हुआ अंडा 50 रुपए में और ऐसे अंडे लेने हो तो 20 रुपए में। अभी जो है ना आएगी अंडों के साथ चाय, अंडे तो पहुंच गए हैं, अब चाय का है इंतजार। सलामुद्दीन दुआ सलाम तो करो सब बहन भाइयों से। अंडे मजा दे रहे हैं। ये रहा अंडा, इसको ऐसे मलनाल चाय का घोट। ये उल्टा सिस्टम है इस अहमद भाई का, क्योंकि और लोग खाते हैं बिस्कुट के साथ, ये खा रहे हैं अंडे के साथ चाय पी रहे हैं। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त, दोनों चीजें गर्म है ना तो हाँ, सर्दी खत्म हो जाएगी। अभी मामी लेके आई है गरम गरम मूंगफली मेहमानों के लिए, और मेहमान यहाँ पर गपशप कर रहे हैं मामू के साथ। बिस्मिल्लाह, अंडे और चाय जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया हमने, और इसलिए मैं मूंगफलियाँ ले आई हूँ। और सबब अभी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही है, ये आप दोनों खाएं, और अपने चैनल को खुद लुक आफ्टर करती है, भाईजान नहीं करते, भाईजान उनके मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाते, ये क्या राज की बात है भाईजान लगाते हैं मोबाइल। अच्छा भाभी एक बात बताएं, भाभी खुद एडिटिंग करती है या खुद आप कर के देते हैं? अहमद खुद कर देते हैं। अहमद करके देते हैं जी। आप सिर्फ करना हो तो मैं खुद कर लेती हूं, वरना खुद करती। ठीक हो गया, तो मूंगफलियों के साथ ना ये भाभी के गले का मैंने इलाज करना है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। बेबो भी इधर जो है ना मूंगफली खा रहा है। बेबो क्या हाल है, ठीक हो? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बेबो जिंदाबाद बोलो। अभी खाने में मसरूफ है। और मामी जी इतनी सारी दवाइयाँ लेके आ गई हैं, ये क्या करनी है मामी जी? ये भी इनका इलाज करना है मैंने, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, गला सर्दी बहुत है ना, इसीलिए इनके बच्चों का भी और इनका भी, क्योंकि सबा का जो है ना वो गला खराब है, आवाज़ इसकी बैठी हुई है, ये बोल भी नहीं सकती, तो भाभी की मेहरबानी है इसकी जो है ना वो दवा इलाज कर रही हैं कि इनका इलाज जो है ना वो सॉरी आवाज़ जो है ना वो सुबह तक ठीक हो। और बिल्कुल आपके लिए किचन भी रेडी किया है, बगैर धुएं वाला। अच्छा, वो आपने देखा या नहीं देखा? अच्छा, तो आपकी भाभी जो है ना सुबह रेसिपी बनाएगी खुद अपनी इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह काफी या शाफी। एक और मेरा गला बैठा बैठे तो जी माशाल्लाह कैसा लगा ये सरपंच? कड़वी थी अभी शायद, गला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। नहीं, कड़वे का इलाज भी तो है ना, ये देखें शहद और देसी। अच्छा, शहद भी है साथ में? बिल्कुल, फिर मेरा गला खराब हो गया। गले कड़वे के साथ मीठा, हमारी भाभी यहाँ कड़वी हो के ना जाए, मीठी हो कर जाए। और भाई को, भाई का भी मुंह मीठा करवाएं? नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गला सेट है। और मामू भाई का मुंह मीठा करवा रहे हैं, भाई अहमद का हो गया मुंह मीठा, बोल तो मैं सारा मीठा हो गया लग तो ऐसा रहेगा ना बहुत ज्यादा। तो जी मूंगफलियां चल रही हैं गर्मा गर्म, और उसके साथ जो है इंजॉय भी हो रहा है, गपशप भी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है,
आप सब जो है सपोर्ट करें ताकि हमारी ये मूंगफलियाँ हमेशा चलती रहें। बेशक ठीक है जी, जब मसला खराब होना व्यूज वगैरह ना है तो यकीन करें ये मूंगफली ऐसे पड़ी रहती है और ये खाने को दिल ही नहीं करता। ऐसे बंदे ना पड़े होते हैं जैसे बस इनको कोई होश ही नहीं है। तो यकीन करें मेहनत करते हैं तो फिर साफ बात है, सुबह उठते हैं और एक एक क्लिप बनाना, शाम तक जो है ना वीडियो पूरी होती है। और हम जो है ना दिल में यही होता है कि बहन भाई मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो हम जो है शाम को सुकून की नींद सोएंगे खुशी खुशी। लेकिन जब आप बहन भाई सपोर्ट कम करते हैं, वीडियो एक दो मिनट देख के बंद कर देते हैं तो हमारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाए। बिल्कुल, तो ऐसा ना करें जी, फुल सपोर्ट करें इनको, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें कि इनकी माशाल्लाह एडिटिंग देखें, थंबनेल देखें, वीडियो देखें, बड़ी एंटरटेनमेंट होती है। तो आप सब ने इनको भरपूर सपोर्ट करनी है और सबा के लिए दुआ भी करनी है कि इसका गला जो है वो ठीक हो जाए, सुबह ये फर फर बोले। वैसे औरतें ना ही बोलें तो बेहतर होता है। लेकिन ये है, अभी देखें बोलना नहीं आ रहा, हाथ तो है ना, तो उसने बता दिया। तो आपने ये सब आपकी पार्टी की वजह से मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा। कहती है अहमद भाई बहुत अच्छे हैं तो बहुत तारीफ करती है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप सब बहन भाई ने खुद सुना है, उसने कहा है कि अहमद बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं। तो मैंने ये नहीं कहा, दुआ करें हम की वजह से देखो अभी आवाज निकलनी शुरू हो गई। हाँ तो अभी देखे ना, कहते हैं अहमद होता ना अगर घर में तो मुझे जल्दी ठीक कर देता, ये कह रही है। चले जी आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, लाफिज।